इस वक्त झारखंड की सबसे बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के अधिकतर विधायक फिलहाल झारखंड से बाहर है। खबरें यह भी आई है कि कई विधायक दिल्ली कूच कर गए हैं। जैसे ही राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस के कई विधायकों ने क्रॉस वोटिंग किया था, जिस पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने कड़ा जो बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि सीएलपी लीडर किस में बैठक बुलाकर उन विधायकों से पूछेंगे कि आखिर ऐसा क्यों किया। तो बातें सामने आ रही है, उसे ये प्रतीत होता है कि क्रॉस वोटिंग हुई है और हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, विधायकों के साथ भी चर्चा करेंगे, हमारे जो सीएलपी के लीडर हैं आलमगीर आलम साहब उनसे बातचीत होगी और तब तय कर पाएंगे कि आखिर क्या बात रही और किस कारण से इस तरह की बातें सामने आ रही है। हेमंत सोरेन भी अभी दिल्ली में मौजूद है और बात करें बीजेपी की तो बाबूलाल मरांडी आज सुबह ही दिल्ली में झारखंड की ताजा राजनीतिक हालात से शीर्ष नेतृत्व को अवगत कराने के बाद वापस लौटे हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस के विधायक इस वक्त झारखंड में किधर भी करवट ले सकते हैं, क्योंकि अधिकतर कांग्रेस के विधायकों का मोबाइल भी बंद है। हमने कई विधायकों को संपर्क करने की कोशिश की लेकिन सभी के मोबाइल बंद बता रहे हैं। वहीं कौन कौन विधायक अभी दिल्ली पहुंचे हैं इसकी सूचना प्राप्त नहीं है, लेकिन जो ताज़ा जानकारी है झारखंड से 10 से 11 विधायक कहीं बाहर कूच कर गए हैं। अगर ऐसा होता है तो सीधे तौर पर हेमंत सरकार संकट में आ जाएगी। वहीं कल ही एनसीपी जो सरकार में समर्थन दे रही है उनके विधायक और प्रदेश अध्यक्ष कमलेश सिंह ने भी कड़ा प्रहार सरकार पर किया था। उन्होंने कहा कि जिस तरह मुद्दे को लेकर हमने सरकार को समर्थन दिया था उन मुद्दों से हटकर सरकार काम कर रही है। इतना भी ब्लॉक है झारखंड में, अब तो और भी लोग जानते होंगे, जितना भी ब्लॉक है हमारे पलामू में हुसैनाबाद में ब्लॉक का स्थिति बहुत ही खराब है। ब्लॉक में जो भी पदाधिकारी हैं चाहे वह बीडीओ हो चाहे सीओ हो अपने आप को तानाशाह समझते हैं। उनका रवैया जो है बहुत ही घटिया है। जनता को आप काम क्या कीजिएगा, जनता को आप सुविधा क्या दीजिएगा कि जनता से आप सीधे मुंह बात भी नहीं करते हैं, जनता को अपने पास आने नहीं देना चाहते हैं, अपना मनमानी करते हैं। और इसका भी हम लोग पुरजोर आवाज उठाए थे विधानसभा में कि अफसरों पर लगाम कसना जरूरी है। सभी चीजों को मिलाकर देखें तो ऐसा कयास लगाया जा सकता है कुछ ही दिनों में झारखंड में बड़ा राजनीतिक उलटफेर देखने को मिल सकता है, क्योंकि कांग्रेस के 9 विधायकों ने राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को वोट किया था, जिसके बाद से लगातार कांग्रेस के अंदर बगावत के तेवर बुलंद हो रहे हैं। लेकिन कोई भी खुलकर अभी इस मसले पर बोलने को तैयार नहीं है। अब आने वाला वक्त बताएगा कि झारखंड की राजनीति में कौन सा मोड़ आएगा। फिलहाल आप बने रहें द न्यूज़ पोस्ट के साथ।